समाज शिकार किया उनकी कहानी को निर्मल बदल को कहानी अभी भी ये समझे तो वक्त आए कहानी बल्कि केतर साल का निकल कहानी सामूँ उन तारीख है पीटीवी खास तौर पर पीटीवी सीरियल्स हल्यूँ उ सीरियल एतरू तो मकबूल थी जो जैसे भी रजा कुमार की का भी कहानी होंगी तो मे जन किस्म की डिशनरी होंगी बजट रुको होंगी तो बाबा जल्दी तू मत असा पा कम कर छीदा पर रजा कुमार की यह कहानी मत असा निकली न वे खास तौर पर विछोड़ियों सजो जिया जेल जहाँ मंजर पाया हकीकत निगारी एतरी कहानी में एडी हकीकत निगारी होंगी जो ये खड़ी चाहिए तो उन समाज के अंदर वेही कर लिखो इन कहानी जो समाज समाजी कहानी हुई उन शायरी भी कई वो सुठो कहानीकार सुठो नाटक नवेश अस उनके डी अगते शुरुआत हुई अदब में नव नव अस अदब पढ़ शुरू कर अदबी दुनिया में अदबी फील्ड में अस नवा नवा कदम खड़ शुरू क्या उन सिलसिले में अस जैसे भी लाड़काने जैसे भी असो अचण थो लाड़काने के बेन दोस्त गड जैसे अस रजाक से भी मिलयास त रजा कुमार अस मिलन ही दोस्त में संजीदा मोहब्बत कदड़ मोहब्बती मू अस नजर आए में यह खूबी हुई तो उनको गलायण तो धीमो हो हर कड़े लहजे में गाइंद नरम लहजे में गाइंद पर गाइंदो ढो समझाने वाले अंदाज में वो प्यार भर वो वो उनको किताब भी आयो वो भी पढ़ोसी सुकून किथे आए पर रजाक के ड्रामे के थ्रू अस मुतासर कर उन ड्रामो उन पीटी जियापो जो खेत मजदूर फैमिली से लिखल हो उन वक्त उन ड्रामे एतरा सवाल उथारा तो रजाक जो हि ड्रामो लिखल हकीकी तौर हकीकी जिंदगी में भी ये थी सके तो या न या किथे इन वधावत न लिखो पर रजाक साहब के ड्रामे यो साबित कयो उन वक्त न पर अज ताई उन ड्रामे की रोशनी में अड़े खेत मजदूर फैमिली केतर उ दरियाफ्त थी व्यू न सिर्फ दरियाफ्त थियं पर उन वडेरन जालमों उन जमींदार के चंबे में आजाद थी व्यू सिलसिलो अ जारी आजा तई उन फैमिली जो गुलामी वाली सूरत में गुजारन थी पा आजाद समझा तो अज ताई जितर भी फैमिली आजाद थी चुक पहला शुक्र गुजार एप्रिशिएट तो क्या आर्ट काउंसिल पारा पे भेरों सो अदब के शोबे को तहरक में आयो है मुख्तलिफ मौजूअन या मुख्तलिफ अदीबन जो प्रोग्राम क्या वह उनमें मैं यो समझ तो अगूणे कमिश्नर साहब जो भी इनके फाल करण में आर्ट काउंसिल में वो हथ हो रजाक जेस तीन रजाक कुमार जो सवाल है रजा कुमार तमाम सुठो कहानीकार हुयो सुठो दोस्त हुयो इन पाण नई दुनिया पब्लिकेशन कढ़ंदो हुयो उनको अदब के खेत्र में वो असा सामूँ आए वो तारीख जो वो हिस्सो है इनायत साहब चुन तो शायरी भी कई पर शायरी से गुड जो कहानी लिखा है ड्रामन में जो पाण मना सिंधी ड्रामन में तो वो सजी सिंधु के मान उनके मंता दिनी खास तौर से जियापो जो तमाम वो मदी मंता मानी उनके हवाले जो रजा कुमार पे क्लार्क हो बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट में अस मोहम्मद अली पठान गजी जो रुपये जो फर भी वही गजी खाधी उन कदें भी महसूस को जो तो छबर से वही दोस्त फर उनका जो लेक्चरर थो उनमें वह सागी जो है दोस्त सागो ही लागापो रो कदें उन वा माना तो न कई तो मैं जो वो मूल लेक्चरर थो पा दिखा पा वाण उन सागी उन सागी जो गरीब दोस्त हुआ उन्होंने कदें न विसार अदबी कचहरी भी थी रही हुई मुझे गोठ पीर जो गोठ भी इंदो हो मोहम्मद अली पठान से गुड उन मुख्य अदब में जैसे किताब पढ़ाने में जैसे मोहम्मद अली जो हिस्सों अदबी किताबन में तो उनमें रजा कुमार के विसारी उन थोरा तो आया त
तो उन्होंने अदबी किताब पढ़ाने से उन्होंने सेखारियो ए कच्चे थी रही हुई ए गद की इनायत मेमण साहब से मोहम्मद अली पठान रजा कुमार से वाजिद से काफ़ी अरसो असो वाजिद के घर में जो रजा कुमार से कचहरी थी उनमें अस सीखे रजा कुमार से घो अस मरोम को सीखे उन यादू है रजा कुमार साहब के हवाले से तासुर की शुरुआत शिखर के इन शेर से कदस शाल सुबाने झोल भरे जेबे लुरी में लोचे व्या तिनखे कोई याद करे पर हकीकत में दिसजे तो रजा कुमार साहब असा के घो याद रो है रजा कुमार जो यो कम है वो ड्रामे के हवाले से हो कहानी के हवाले से हो या उनकी शख्सियत के हवाले से हो भरपूर जिंदगी गुजारी है चवंदा आहिनि त लेखक पाण त सिधी तरह से न ॻाल्हाईंदा आहिनि पर लेखक जो तहरीरू उहे ॻाल्हाईंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि तहरीरुनि जा जेके किरदार हूंदा आहिनि उन्हनि किरदारनि जी जेका गुफ़्तगू हूंदी आहे उहा लेखक जो आवाज़ बणजंदी आहे ईअं जॾहिं असां रज़ा कुमार साहिब जे किरदारनि खे ॾिसूं था उहे किरदार हुन जी कहाणियुनि में हुजनि या हुन जे ड्रामनि में हुजनि त उहे किरदार असांजे समाज जा मुख़्तलिफ़ किरदार आहिनि पर किथे बि ईअं महसूसु नथो थिए त उन्हनि सभिनी किरदारनि में हिकु शख़्स या हिकु लेखक रज़ा कुमार उनजे पुछां आहे या उहे जेका गुफ़्तगू ॻाल्हाइनि था उहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु रज़ा कुमार जी गुफ़्तगू ॻाल्हाए रहिया आहिनि इहा रज़ा कुमार साहिब जी कामयाबी आहे जो हुन जेको बि किरदारु पंहिंजी कहाणियुनि में आंदो आहे ड्रामनि में आंदो आहे उन किरदार जी नफ़्सियात खे उन किरदार जे माहौल खे उन में इज़हार कयो आहे इहो हिकिड़ो रुख आहे रज़ा कुमार साहिब जे किरदारनि जो ऐं हुन जे कहाणियुनि जो या ड्रामनि जो रज़ा कुमार डिग्री कॉलेज लाड़काणे जो प्रोफेसर बि रहियो सिंधी जो हिते उस्ताद रहियो इन हवाले सां जेतोणीकि मुंहिंजो लाड़काणे डिग्री कॉलेज में अचणु पोइ थियो मां हिन वक़्तु डिग्री कॉलेज लाड़काणे में पढ़ायां थो पियो पर मूंखे फ़ख़ुरु महसूसु थींदो आहे ऐं ख़ुशी पिणु महसूसु थींदी आहे त मां बि उन इदारे में पढ़ाए रहियो आहियां जंहिं इदारे में रज़ा कुमार साहिब जहिड़ा माण्हू पढ़ाए विया आहिनि असुल में असां कहिड़ी तरह सां मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि खे मान ॾियूं था पिया इन जा मुख़्तलिफ़ तरीक़ेकार थी सघनि था पिया हाणे हीउ तरीक़ो जेको मां आख़िर में ॿुधायो त हिकु अहिड़े इदारे में कमु करणु जिते रज़ा कुमार साहिब पढ़ायो वियो हुजे इहो पिणु असां एज़ाज़ सम्झूं था त इहा हिकु तरह सां असां ॼण उन शख़्स खे क़बूलियत ॾियूं था मान्यता ॾियूं था उन जे कम जो एतिराफ़ु कयूं था पिया रज़ा कुमार साहिब लाड़काणे जो लेखक हो माना लाड़काणे सां हुनजो तालुक़ु हुयो पर हुन जेके ड्रामा लिखिया उन्हनि में हुन पाण खे लाड़काणे खां मथे करे सॼे सिंध ताईं पहुचायो पर मां चवंदुसि त जेको दौरु हुयो रज़ा कुमार साहिब जो जंहिं वक़्तु पाकिस्तान टेलीविज़न तां सिंधी ड्रामा नशर थींदा हुआ त हुन जो आवाज़ हुन जो फ़िकुरु या हुन जा ड्रामा या तहरीरूं जेके आहिनि सिर्फ़ु सिंध ताईं महदूद न रहियूं पर हर उन हंध ते ॾिठी वियूं जिते सिंधी माण्हू रहनि था पिया हली त तंहिं वक़्तु सिंधी लेखक पाकिस्तान टेलीविज़न जी सिंधी ड्रामनि ते महदूद हुया पर हिन जदीद दौर में उहे सिंधी ड्रामा ॿीहर बि असां जॾहिं ॾिसूं था त असांखे महसूसु थो थिए त जेतोणीकि हिकिड़े वक़्त जी विछोटी आहे उन दौर में ऐं अॼोके दौर में पर अॼु बि असांजूं हालतूं साॻियूं आहिनि ऐं उन्हनि हालतुनि में फेरो न आयो आहे ऐं इन तरह सां इहो असांजो मुतालियो आहे लेखक जी तहरीरुनि वसीले या रज़ा कुमार साहिब जे ख़ासि असां रेफरेंस सां ॻाल्हायूं था पिया त रज़ा कुमार साहिब जी कामयाबी आहे त हुन जिन हालतुनि में पंहिंजनि किरदारनि खे ऐं जिन वाक्यनि सां पेश कयो आहे उहे वाक्या ऐं हालतूं अॼु बि साॻियूं आहिनि ऐं तारीख़ जे मुताले में इहे हालतूं ऐं वाक्या ऐं उन जा किरदार असांखे ॿुधाइनि था त अॻु तारीख़ कीअं हुई ऐं अॼु तारीख़ ऐं उन जा वाक्या कहिड़ी तरह सां आहिनि साईं रज़ा कुमार साहब दोस्त जे हवाले सां मां चवां इंतिहाई शब्द इंतिहाई महिरबानी दोस्त पुरखलूस कमु अचण वारो हिन खां अलावा लेखक जे हिसियत में रज़ा खे ॻाल्हाइण लाइ त घणो टाइम खपे छाकाणि हुन जा केतिरा ई हवाला आहिनि हुन खां पहिरियां अॼुकल्ह शायरी खां शुरूआत कई लिखण में ऐं हिकिड़ो बाकमाल शायर जंहिंजो
यानि सोमी रिसालो तारक अशरफ जो उनमें उनको जो पहों शेर छपो वो एडो लाजवाब शेर जै रजा कुमार के कैरियर ठाण में वो किरदार अदा करे शेर उनखा रजा कुमार वरी कहानी के पास आयो कहानी पैर उन अमर जलील रंग में लिखो पर उनखा उनको कांजे रंग में खास कर कृष्ण हाथी के अगर उनकी जो कहानी हुई उनखा उन पान के चेंज कर कृष्ण हाथी के अगर कहानी जो जो चाहिए तो हवालो वो यो हो अमर जलील कृष्ण चंद्र का मुतासर ए रजा कुमार अमर जलील का मुतासर तो ये अमर जलील जो है रजाक साहब जिस दिन छायल पर उनखा वरी जैसे रजाक साहब पढ़ो तो खेस खबर पी तो उनखा वो लेखक इन नंढे खंड जो वो लेखक कृष्ण चंद्र हो तद उन कृष्ण हाथी के अगर कहानी उनखा रजाक साहब सुकून किथे आए नाले का किताब मूँ तरक्की वाले हो 1983 में वो शाया कराया हो उन किताब में रजाक कुमार जो जी कहानियां नरुगो रजाक कुमार जो पर असानी सिंधी अदब जो इंतहा लाजवाब शाहकार जिनते वही वेहक थे सेमिनार थे उन कहानी के रजाक कुमार जो कद कहानीकार कतार में ढो उतारू कद उनकी सुकून किथे आए उनकी जन्म जली उनकी एक शख्स जो मौत उनकी पीड़ा के कोहीड़न में खुद उनकी कहानी यानी शिकस्त खोड़ सब कहानी उनखा अलावा रजाक साहब जो बो किताब जो भी क्वेश्चन से कहंदड़ लीका के नाले से वो किताब काटू पब्लिकेशन वो शाया कर उन किताब में रजाक साहब जो 8 कहानी शामिल हैं उनमें तड़े से वेठल मानू उनमें आराह उनमें बो जी कहानियां कहंदड़ लीका तो उ ये चाहिए तो रजाक कुमार वो ट्रेंड सेटर अस कहानीकार रजाक कुमार कहानी के अलावा जो ड्रामा लिखा वो सोलो प्लेस का उन शुरुआत कई उनको पैरों जो ड्रामो हो वो जिंदगी दाँ 1984 में पीटीवी तशुर थो हो नाटक रंग में उनखा फेरो उनखा राह जो पत्थर उनखा बिहार खोड़ सारा ड्रामा जियापो लिखा जियापो उनकी ड्रामा सीरियल हुई एकड़ी किस्त जो ड्रामो लिखो जो वडे रंगे कायम कल खानगी जेल बाबत हो सिंध में तेस तीन इन निशानदेही न थी रजा कुमार वो ड्रामो लिखी उनकी दारूग निशानदेही कई पर उनकी जी वे पैमाने से मानन के आगाही दिनी तो बाबा ही एकवी सदी में भी अस यानी 20 सदी में भी अस ही खानगी जेल आन इन बासर वडेरन जहा यो ड्रामो जैसे पेश थो तो उनखा किन मानून तो एकड़ी ख्याली कहानी है पर जैसे वडेरन जहा जेल खुलन शुरू थे तो मानून रजाक कुमार न रुगो लेखक जो किरदार निभायो है पर उन साहब के जो किरदार भी निभायो है मानून के आगाही दिनी तई तो ये खानगी जेल इतने मौजूद है उनखा उनकी बी ड्रामा सीरियल जी बादल जमाली साहब प्रोड्यूस कई छोटू वह इंता लाजवाब ड्रामा सीरियल पैरों ड्रामो उन ॿ नंबर समय जी जियापो आंदो उन बो नंबर उनकी विछोटू टों नंबर पाताल ड्रामा सीरियल ही जी हीरोइन नशे के हवाले से लिखल हुई उनखा चौथी जहाँ उनकी हुई ड्रामा सीरियल वह हुई निबेरो ये चार उनकी सिंधी जो ड्रामा सीरियल हुई निबेरो जो ड्रामो हो वो कॉलेज अंदर जो शागिर्द की गुर्दा गर्दी है वह उन फोकस किया बिल्कुल एकड़ी रियल कहानी उन जमाने के जन तो डिग्री कॉलेज जो एक अफसो हो कहानी में उन जमाने के प्रिंसिपल के
उन किरदार के बुनियाद बढ़ाए उन ड्रामो लिखो जो फरीद नवाज पलोत जड़े वही अदाकार एक्ट किया तमाम सिंध में पसंद किया रजा कुमार जागीर नाले से उर्दू में ड्रामा सीरियल लिखी जेका उनकी 22 किस्तन में प्राइवेट चैनल तां नशर थी ए रजा कुमार तानी पुठियां तमाम घो मवाद छो शायरी जो किताब उनकी एक ड्रामा सीरियल उर्दू में तारीख रहे वह पयल है उनका अलावा कुछ सोलो प्लेज भी असा तवां जो फर्ज है यो माहौल ठाए नरगो इन ड्रामन के पेश क्यों पर रजा कुमार जे अणछिपल किताब रहल उन्होंने लाइ सरगर्मी अख्तियार कर उन किताबन के मंजर आन के आने रजा कुमार तमाम वो नालो एज अ दोस्त एज अ लेखक के तौर से उनके उनसा 30 साल में गड गुजारा हाँ हर वक्त से उनकी कमी मुख्य महसूस थी अड़ो ख्याल महसूस जो जिंदगी भर हर थी नसीर मिर्ज़ा जो शायर सिज के बुडंदो दिसी घबराए जी वियो सिज के बुडंदो दिसी घबराए जी वियो सांझ थी सूरजमुखी उमाए थी। रज़ाक महर हकीकत ये असा का विछड़ी वो रज़ाक महर हर वक्त विछड़ियल होंदे भी असा सा गड याद आ उन एक गाल जो अर्ली 70s में जो 70 वाले दहाके में उनकी मुझी दोस्ती थी दोस्ती एतरी मेच्योर थी जो भाईपी में बदल जी वही रज़ाक तमाम घणो बेहतरीन दोस्त हो बल्कि ये समझे तो कें हद ती उन वे भा जड़ी इज्जत दींद रज़ाक जिंदगी के तलख हकीकतुन के इंतहाई वेझो दिठो यतीम हो यतीम वारी जिंदगी गुजारींदे भी वो एक्टिव रो जिम्नाज़ियम में एक्सरसाइज का वी टूअरन तीन टूअरन का वी लिखण तीन लिखण का वी दोस्त निभाण तीन ढी शानदार दोस्ती होंद हुई वाजिद हो केयर शौकत हो मलका गानी हो ये सब गजी जैसे लाड़काने में ईदुन ते कचहरी थी या केयर शौकत के गोठ आगान में जैतून के बागन के विच में ढंडुन ते ढंडुन के किनारन ते ट्रपका खाईंदे लोक डहापते गालाईंदे असा तमाम घणो खूबसूरत वक्त गुजारियो से ये सब तजुर्बा जेके हुआ से रज़ाक महर पांजी कहानी में तमाम वड़ो शानदार कहानीकार हुयो खूबसूरत कहानियों उन लिखियो ईमानदारी वाली गाल पुछो तो आर्ट काउंसिल के ढो देर से यह गाल याद आई है पर वो चवन देर आए दुरुस्त आए ढी सुी गाल दोस्त जे उन कमी के अस महसूस क्यों पा छो तो आर्ट काउंसिल में केतर ही दोस्त प्रोग्राम थो अस इन मामले में खुलल दिल जहा हूं तो सभी दोस्त के नुमाइंदगी मिले पर असल मसलो यो हो तो ये दोस्त असा डिजर्व कन पे जिन मांगे लाइफ में एतरी अचीवमेंट जो उन्होंने मिलन घुर्बी वह उन्होंने न मिली नतीजो उनको यो निको तो उ मू बहरहाल उनके अस इंतहाई वेझो हुआस जो जिक्र किया तो दोस्त हो इंतहाई वेझो दोस्त हो उनसा गहराइप हुई इंतहाई वेझी गहराइप हुई इन कर कदें भी इन किस्म की का शिकायत को कई तो उनके वो मान न मिलो है जो उन कम किया है पर यह हकीकत है तो रज़ा फुल टाइम एक राइटर हो फुल टाइम लेखक हो उनी जिंदगी के जन लेखारी वाले हिसाब से सारी जिंदगी उन अदब के हवाले से कहानी के हवाले से
तव्हांखे इहा घटि ख़बर हूंदी त हुन शायरी बि कई ऐं शायरी वारो बि हुनजो हवालो जेको आहे उहो बि ज़बरदस्त आहे हिकिड़ो उहो मंज़राम ते न अची सघियूं सभु ॻाल्हियूं हुन आख़िर में वञी कुझु हुन जा मसइला अहिड़ा हुया जंहिंजे करे हुन वञी पोइ आख़िर में कराची वसाई ऐं उते ई हुनजी इहा भरपूर कोशिश हुई त हुन हू ड्रामनि जे फील्ड में को न को नालो कमाए ऐं सिंधीअ में हुन भरपूर क़िस्म जा जेके ड्रामा सीरियल हुया उन्हनि ते हुन भरपूर नमूने सां कमु कयो न सिर्फ़ हुन ते पर हुनजो आइडिया अञा वॾो हुयो त हू उर्दू में कमु करणु पियो चाहे ड्रामनि में बहरहाल हुन सां ज़िंदगीअ साथ न ॾिनो पोइ वक़्त खां अॻे ई असां खां हले वियो छो त हुनजी उहा उमिरि न हुई पर हुनजे लाइ हुनजे बेक में जेकॾहिं असां वञूं था त के प्रॉब्लम्स हुया के मसइला हुया जंहिंजे करे हू ज़िंदगी हारे वेठो हारे इन सेंस में त हू असां हुन मां घणो एक्सेप्ट कयूं पिया त हू ज़िंदगीअ खे जंहिं अंदाज़ सां तेज़ीअ सां रुकंदो वञे पियो त असांखे लॻे पियो त किथे ही महसूसु करे वियो आहे त हाणे मुंहिंजी ज़िंदगी पूरी थियण वारी आहे जेको कुझु करणो आहे उहो करे वठूं ऐं बहरहाल हुन इन ई इंतिहाई मतिलबु संजीदगीअ सां ऐं इंतिहाई महिनत ऐं जुस्तजू सां हुन जेको मक़ाम माणियो उहो घटि माण्हुनि खे नसीब थींदो आहे ऐं ॾाढो ॾुखु थींदो आहे हिन दोस्त जो जॾहिं असां हिन खे ॾिसंदा आहियूं महसूसु कंदा आहियूं छो त इहो मरी वञण वारो अहसासु उन्हनि माण्हुनि जे लाइ हूंदो आहे जेके पंहिंजनि खे विसारे छॾींदा आहिनि रज़ाक यादि रहे थो ऐं उहो ईअं ई हूंदो आहे कॾहिं कॾहिं ते के वाकिया अहिड़ा थींदा आहिनि जीअं मोहम्मद अली सां गॾु हूंदा आहियूं या ॿियनि दोस्तनि सां वाहब सते साहब सां गॾु हूंदा आहियूं त महसूसु थींदो आहे ॼण रज़ाक असां सां गॾु वेठो आहे ऐं उहा ई गुफ़्तगू उहो ई अंदाज़ उहो यकीन उहो हवाला उन जा ॾियणा पवंदा आहिनि इन जे करे त हुनजी पंहिंजी शख़्सियत जेका आहे ॾाढी भरपूर हुई न सिर्फ़ु सुठो कहाणीकार हुयो पर सुठो इंसान बि हुयो हो ॾाढो बहितरीन दोस्त हुयो ॾाढो बहितरीन कहाणीकार हुयो हुन पंहिंजी ज़िंदगी पंहिंजी जुस्तजू जेका कई उहा यकीन अॼु इन लाइक़ु आहे त असां हुनजी वर्सी मल्हायूं था ऐं हुनखे यादि कयूं था इहो ई असां यकीन हुन ते अहसान कोन था कयूं असां पंहिंजो पाण ते अहसान था कयूं रज़ाक मर दोस्त जी हिसियत में त मूं ईअं ॾिठो त हिकिड़ो मौसूम ॿार हुयो ऐं हुनजे अंदरि में मौसूमियत एॾी हूंदी हुई एॾी मौसूमियत हूंदी हुई जो हिकिड़े भेरे चई मुमताज़ मुंहिंजे दिमाग़ मां ॿार वञण जो आवाज़ थो अचे पियो ऐं कई ॾींहं हुन सां इहो सिलसिलो जारी रहियो हुन खां पोइ डॉक्टर जमा ख़ान कराची में हूंदो जेको हुन ट्रीटमेंट कराई हुन खां पोइ हुनजी कैफियत हिकिड़ी इहा हुई जेका ॾाढी मासूम ऐं अहसासु पणे में हुई ऐं हुनजो मिसाल तव्हांजे अॻियां इहो आहे त छो त वाजिद जेको आहे उहो बि हिनजे घर मां ई हुनजो हिकु जनाज़ निकितो त वाजिद रज़ाक मर असांजे हुन मासूम दोस्तनि मज़ा आहे ऐं असीं रज़ाक जी उन लड़ीअ मज़ा आहियूं जो अॼु ताईं असां रज़ाक जी बाक़ाइदे कमी महसूसु था कयूं पल पल कमी महसूसु था कयूं रज़ाक जो रिश्तो दोस्ती जे अलावा मूंसां ड्रामे वारो थी वियो मुंहिंजो ड्रामो हिकिड़ो हुयो राति जो मुसाफ़िर जेको एक्ट वाइज़ हो रज़ाक ड्रामे ॾिसण खां पोइ मूंखे चईंदी आहे न नालो एक्ट वाइज़ जो हो ऐं वन एक्ट जो तूं एक्ट वाइज़ कयो मुंहिंजो भला जेकॾहिं तव्हांखे ॻाल्हि ॿी ते सम्झ में थिए त तव्हां भला हिकिड़ो ड्रामो लिखी वियो पोइ हुन हमरा कोशिशि कई मूंखे बदवा सेट कर टू एक्ट ड्रामो लिखी ॾिना आहिनि ऐं उहो जेको खानदार जो ॾाढो सुठे नमूने सां मज़ाया ड्रामा हुओ हुन खां पोइ वन एक्ट ड्रामो लिखी विया आहिनि जेको उहो बि शानदार नमूने सां कामयाबु थियो हुन खां पोइ हिकिड़ो हिनजो सिलसिलो जुड़ियो टी वी जे तरफ़ खां टी वी में बि काफ़ी ड्रामा ॾिनई जेके असां रज़ाक मर हितां बि ड्रामे ते डिस्कस कंदा रहंदा हुयासीं ऐं मौज़ुनि जे हवाले सां किरदारनि जे हवाले सां ऐं कॾहिं कॾहिं रज़ाक चवंदो त तूं मूंखे मुतमैन कर लेखक ऐं हिकु दोस्त हिकु बहितरीन माण्हू जे हवाले सां मुनफ़रिद हैसियत रखंदड़ दोस्त हुयो मुनफ़रिद हैसियत रखंदड़ कहाणीकार हुयो ऐं तमामु बहितरीन क़िस्म जो इंसान जेको मां हुनखे जेको ॾिठो त पंहिंजे लिखणियुनि में के जेके लेखक आहिनि कहाणीकार आहिनि अदीब आहिनि शाइर आहिनि उहे पाण खे निखारण जे लाइ लिखंदा आहिनि ऐं हुननि जो फोकस इहो हूंदो आहे त असांजो नालो थिए असांजी ममता थिए रज़ाक मर उहो लेखक हुयो जेको हिन समाज में जेके किरदार मौजूदु हुया या हिन समाज में जेके किरदार मौजूदु आहिनि
उनके निर्वाह कर दी उनके खुशी या उनके गम उनके हासिलात या उनके दुख उनके फोकस करो हो उनके अहमियत दिखो हो जाहिर है जो मानू दिल से कम करे तो मेहनत करे तो उनके मोट भी मिले थी उनके अंदर में यो न हों मुझी पजीरे थे पर उन समाज जो इन किरदार के कड़ी हैसियत दिए तो कड़ी अहमियत दिए तो उन निर्वाह कज रजा कुमार जो वो सब किरदार उनकी अंदर की सोच जो उनको जहन जो उनको कम जो उनको किरदार हों सभी लिखण में ई उतर हो तमाम निठाई तमाम मासूमियत तमाम पंचायत वाला किरदार हूँ रजाक किरदार रजाक जो लिखण जो रजाक किरदार है खोड़ मानू जी वो जैसे विछड़ी वेंदा उनके बावजूद भी यो एहसास हमेशा रहो है यो जन मुझे ख्वाब है या यो एकड़ो एहसास है तो न विछड़ा ना जन इत अस जुदा न थी वह पर जिन कोई सफर से हलो वो वरी उम्मीद होंगी तो कुछ दिन का वो मानू मिल अची तो रजाक कुमार के लिए भी यो ही हमेशा मुख्य एहसास रो है रजाक जन कें सफर से निकल है कदें न कदें अची वापस वरी मिल उनकी शख्सियत में एक निमाणाई सब्र तहमुल बुर्दबारी कमाल की हुई जैसा भी मिलो उन दोस्त थी वो हर मानू ये महसूस कह तो रजाक जन मुझो करीबी दोस्त है रजाक साहब से जी मुझी वेझड़ाई रही वह भी इंतई तोड़े जो आऊँ उन लिखण के हवा से भी जूनियर हुस त उम्र के हवा से भी जूनियर हुस पर कदें भी यो रजाक साहब एहसास न दिनों तो तवे जूनियर आयो मुख्य याद है तो मैं पे कहानी लिखी हुई जो ये टे चार दोस्त वेठा से उत पढ़ी हुई तो रजाक साहब की एप्रिसिएशन जो जो अंदाज हुए मु कहानी पढ़ी जी पूरी कई तो उथी अची मुझे गल से चुमी दिनी है हथ से चुमी दिनी है तो फयास कहानी एडी कमाल की है उनकी लैंग्वेज उन प्लॉट उन ट्रीटमेंट उन लफ्जात एडो सीनियर एक खूबसूरत कहानीकार वो बेड़े सैकड़ा चाहे नए लिखंदड़ मानू के लिए अड़े नमून की एप्रिसिएशन दे तो समझा तो अस जदीद अदब में तमाम घट मानू आन अड़ा जी अड़ी एप्रिसिएशन दींदा हुजन तो रजाक उन्हड़ी शख्सियत जैसे उनके कहानी वाले सफर के वे तो ट्रेंड सेटर कहानीकार है तोड़े जो उनको मोड है वो मुरविज दौर वो जो मोड है वो सागो ही है हकीकत निगार कहानीकार तौर से उनकी शनाख्त है पर उन हकीकत में भी एतरी गहराई महसूस थी थे जो जन स्क्रीन से वह तह अगया कहानी पी थी हल तदे वेठल मू तढ़ तो ये महसूस नी तो पन्ने ते कहानी था पढ़ो पर ये महसूस थी तो स्क्रीन से वह कहानी तुम ऐसो था वेठा उनको दर्द उनकी तकलीफ उनको एहसास जो जी कैफियतू आन उ सब तक महसूस थन्द बजा तो खुद तह जन उन सफर में पा जो है पाया उनको हिस्सो महसूस कद इन जी कहानी सुकून किथे आई मन जी भी कहानी उन तोड़े जो थोड़ी कहानी लिखे ए भरपूर कहानी उन्हें लिखूँ ये ड्रामे की फील्ड में जैसे आयो तद भी कमाल जो है ड्रामा राइटर साबित थो बड़े अरसे तई उन ड्रामन के याद रखे हु ये रजाक साहब जो है शख्सी तौर से जन्म मानू सा गु रो उन अज भी न विसर है दोस्त की हैसियत में भी मुखलिस मोहब्बत कदड़ राइटर की हैसियत से बुर्दबार शफकत कदड़ बी के एप्रिशिएट कड़ मू भी तकलीकी हवाले से भी जो इनताई सघारो मू हो अव कम किया है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाड़खाने की तरफा सार की शाम के नाले से रजाक तमाम घणन मानून जो दोस्त हो पर रजाक मां समझा तो घट सारे वो है आर्ट्स काउंसिल ही कम कर जण तमाम मां समझा तो मोहब्बत में शाबाशन जो मुस्तक के वेझाई डूर के डूर ओडा सुपरी के चढ़न न चित ते के न विसरन मूर जी मैं कुंडी कूर ती दोस्त वाला को दिल सुन
शरतीफ जो यो बेत हकीकत में उन पल याद इंदो आहे जे पल रज़ाक महर जड़ा दोस्त मेहरबान याद इंदा आहिनि। हकीकत ये त रज़ाक महर जड़ा मानू बिछड़ंदा जरूर आहिनि पर विसरंदा न आहिनि। टीह सबब आहे 14 साल गुजरी वञण खां पोइ बि हू असां जे दिलनि में धड़के थो। हुन जूं यादूं असां वटि महफ़ूज़ आहिनि, हुन जूं लिखणियूं असां वटि महफ़ूज़ आहिनि, हुन जूं तहरीरूं उहे किताबी शकल में हुजनि या ड्रामे जे रूप में हुजनि, उहे असां अॼु बि हुननि खे ॾिसूं था ऐं पढ़ूं था, उन्हनि मां महसूस कयूं था। रज़ाक महर हिकु शख़्स तौर ऐं हिकु लेखक तौर हुन जूं हिकड़ी ॿ हैसियतूं आहिनि। हिकु शख़्स तौर असां जॾहिं रज़ाक महर खे ॾिसूं था त हू दोस्तनि जो दोस्त, यारनि जो यार हुयो ऐं इंतिही बाझारी तबियत वारो हिकड़ो अहिड़ो इंसान हुयो जंहिं जूं मुहबतूं, जंहिं जूं यादूं हक़ीक़त में असां जो सरमायो आहिनि। हुनजी वॾे वॾी जेका ख़ूबी हुई उहा इहा हुई त हू दोस्तनि जे विच में हिकड़ी पुल वारो किरदारु अदा कंदो हो, सभिनी दोस्तनि खे मिलाए रखण वारो। जेकॾहिं के नंढियूं नंढियूं रंजिशूं बि दोस्तनि जे विच में थींदियूं हुयूं त उन्हनि सभिनी खे ख़तमु कंदो हुयो ऐं सभिनी खे गॾु विहारे ऐं मोहबत जो मेड़ो मचाईंदो हुयो। रज़ाक महर हिकु ड्रामा निगार, हिकु कहाणीकार तौर असां जॾहिं हुन ॾिसूं था, हुन इब्तिदाई तौर ते कहाणियूं लिखियूं, जेतोणीकि कहाणियुनि खां अॻु में हुन कुझु शायरी बि कई, पर हुन जी जेका हावी सुञाणप अदब में असांखे नज़र अचे थी उहा हिकड़ी कहाणीकार तौर नज़र अचे थी। ऐं हुन जॾहिं पहिरीं कहाणी कृष्ण हाथी अॻियां लिखी त उन कहाणी ते ई हुनखे तमामु घणी मोट मिली ऐं इन तरह सां हुन कहाणी लिखणु शुरू कयूं ऐं ॾिसंदे ॾिसंदे हुन जे कहाणियुनि जो किताब मंज़र आम ते आयो। सुकून किथे आई आहे त सुकून किथे आहे जॾहिं किताब हुन जो आयो त रज़ाक महर उन वक़्त जे हिकु ट्रेंड सेटर कहाणीकारनि मंझां थी उभरियो। हुनजे कहाणियुनि जो जेको हावी पहलू आहे उहो समाजी हक़ीक़त निगारी आहे। हुन जूं कहाणियूं जिन में सुकून किथे आहे, तॾहिं ते वेठल माण्हू, या हिकु शख़्स जो मौत, या अझल हवा, इहे अहिड़ियूं कहाणियूं आहिनि, रहंदड़ लीका, इहे सभु कहाणियूं रज़ाक महर जूं अहिड़ियूं आहिनि जेके हुन उहे मौज़ू खयां आहिनि जेके समाज जे कुख मां निकिरनि था पिया मौज़ू, ऐं उन्हनि किरदारनि खे हुन पंहिंजो कहाणियुनि में आंदो आहे जेके समाज जा पीड़ियल हिकड़ा किरदार आहिनि ऐं समाज जा नज़रअंदाज़ थियल किरदार आहिनि, उन्हनि ते हुन लिखियो आहे। त रज़ाक महर हिकु कहाणीकार तौर इब्तिदा में ई पाण खे मंझरायो ऐं मुख़्तलिफ़ ऐं अछूतनि मौज़ूअनि ते कहाणियूं लिखी, जानदार कहाणियूं लिखी हुन फिक्शन जी दुनिया में पेर पातो। पर सुतत ई हुन जो ड्रामनि ॾांहुं लाड़ो थियो ऐं जॾहिं ड्रामनि ॾांहुं हुन जो लाड़ो थियो त उन वक़्तु हुन सभ खां पहिरियां स्टेज ड्रामा लिखिया, स्टेज प्ले लिखिया, ऐं ख़ासतौर ते हुन जा ॿ टे प्ले हुन ज़माने में तमामु घणा मक़बूल थिया, जिन में हिकु बदहवास क्लर्क हुयो, उन खां अलावा टे ख़ानदानी बेरोज़गार ऐं मोलू मत विञाई जहिड़ा हुन ड्रामा लिखिया, जेके तंज़ो मज़ाज वारा ड्रामा हुया ऐं समाजी हक़ीक़त निगारी जे हवाले सां बि उहे हिकिड़ा अहम ड्रामा हुया जेके हुन ज़माने में लाड़काणे ते स्टेज थिया। उन सां गॾो गॾु जॾहिं असां रज़ाक खे ॾिसूं था त हिकिड़ो क़दम अॻिते वधी हुन टेली प्ले लिखण शुरू कया। पहिरियां हुन सोलो प्ले लिखिया ऐं अहिड़ा गज़ब जा सोलो प्ले लिखिया, सचपच असांखे यादि आहे 80s जो ज़मानो जेको PTV जो रूज बि हुयो ऐं उन वक़्तु उहे ड्रामा जेके आहिनि से माण्हू 25 मिंटनि जो जेको ड्रामो हलंदो हो उहो सिरजी वेही माण्हू ॾिसंदा हुया ऐं हफ़्तो इंतज़ारु हूंदो हो जेकॾहिं का सीरियल हलंदी हुई। उन्हनि ॾींहनि में 90 जे ॾहाके में 90 जे इब्तिदा में शायदि 1991 जी ॻाल्हि आहे त हुन जो हिकिड़ो तमामु वॾो ड्रामो साम्हूं आयो जियापो जे नाले सां, ऐं जियापो उहो ड्रामो हुयो जंहिं रज़ाक महर खे हिकड़ी नई सुञाणप ॾिनी ड्रामे जे हवाले सां, छो त उहो ड्रामो समाजी हक़ीक़त निगारी त हुन में हुई पर उन सां गॾो गॾु हू हिकिड़ो अहिड़ो मौज़ू खणी आयो जंहिंखे अॻु में इन तरह सां न छुयो वियो हो या PTV ते इन तरह सां न आंदो वियो हो हुनखे, ख़ासतौर ख़ानगी जेलनि जे हवाले सां या जो जबरी पोरियो थिए थो उन जे हवाले सां रज़ाक शानदार ड्रामो लिखियो। मूंखे यादि आहे त उन्हनि ॾींहनि में जॾहिं हुन जो इहो ड्रामो मक़बूल थियो हुयो त सॼी सिंध में रज़ाक सां रिहाणियुनि जो सिलसिलो शुरू थी वियो हो ऐं असां बि उन वक़्तु 1991-92 धारा हुन सां रिहाण कई हुई ऐं उन रिहाण जे मौके ते मूंखे यादि आहे त मूं हिकड़ी कहाणी पढ़ी हुई, पंहिंजो उन कहाणीअ खे तमामु घणो एप्रिशिएट कयो हो रज़ाक ऐं हिमथायो हो मूंखे ऐं मुंहिंजी पुठी ठपी ऐं चयो हुयो त तव्हां अॻिते सुठियूं कहाणियूं लिखी सघो था। त
वो जो पीढ़ी विछोटी वो मामलो हों वो भी उन वन होंदड़ सही है उन हिमथाइन हो मुख्य खुशी है इन गाल थोड़ो वक्त ही सही पर मां रजा महर साहब से गड एक कॉलेज में कुलीग तौर कम भी कयो 14 अगस्त जो डी आए आखिरी डी जै डी रजाक महर से मुलाकात थी आए उन डी असा एक गड़जानी कई है कॉलेज के अंदर उन गड़जानी मुख्य याद है तो उन्हें कुछ शेर पढ़ो उन बुधायो तो यो शेर गण मुझी जिंदगी की कहानी है वो शेर मुख्य याद अचे तो यो हो तो जिंदगी जबरे मुसलसिल की तरह काटी है जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं ढो हसास मू हो बुधाई हो तो जडे अड़ी फिल्मू डो आके दुख जो फिल्मू हूं तो पांजो सजी सजी रात वही रोंद आया जडे वो ड्रामा लिखन तदें भी चवन हो तो मुझी कैफियत अड़ी थी वी है जो मां वही रोंद आया रजा कुमार जडे असा विछड़ो जडे आखिरी में मुलाकात थी हुई तो मुझे याद आए असा डिपार्टमेंट जो घड़ियाल जो है वो भेजी वो रजा कुमार उन घड़ियाल के ऐसी हुए तो वक्त भेजी वो है सची गाल है जडे रजा कुमार गुजारे वो तो असा ई महसूस थो तो वक्त भेजी वो पर वक्त जालिम है वो हल्द रहे तो आई तुझे सारा बोया।